तो वहीं आज हरियाणा और पंजाब दौरे पर पीएम मोदी हरियाणा के सिरसा में होंगी पीएम मोदी की जनसभा, पंजाब के पटियाला में पीएम मोदी की जनसभा है। प्रियंका गांधी भी आज हरियाणा दौरे पर हैं। छठे चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार यानी कि आज शाम थम जाएगा। यही वजह है कि आखिरी दिन सियासी पारा खूब चढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा और पंजाब में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, आज छठवें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा और पंजाब में जनसभा करने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, पंजाब के पटियाला में पीएम मोदी की जनसभा है। जनसभा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जनसभा में पीएम मोदी अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। हरियाणा के सिरसा में पीएम मोदी की जनसभा होगी। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के पटियाला में जनसभा रखी गई है, जहां पीएम मोदी शिरकत करेंगे और जनसभा के जरिए वोटों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। तो छठे चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार यानी कि आज शाम थम जाएगा। यही वजह है कि आखिरी दिन सियासी पारा खूब चढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा और पंजाब में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, सभी पार्टियां अपनी पूरी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। पांच चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अंतिम दिन दिग्गजों की जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। पीएम मोदी की बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। हरियाणा के सिरसा में पीएम मोदी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिखा, आज अंतिम दिन है और दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की बात की जाए तो उनके कहां कहां कौन से कार्यक्रम है और कार्यक्रमों को लेकर कौन कौन सी तैयारियां और कैसी तैयारियां की गई हैं? और देखिए, अगर आज का दिन जो है वो हरियाणा के राजनीति में काफी गर्म रहने वाले हैं। बड़ी बात है कि कुछ नरेंद्र मोदी जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ में जो रैली है, वो जनसभा जो है वो करने जा रहे हैं। वो वहां से जो उम्मीदवार है उनके लिए चुनाव, धर्मवीर सिंह, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वो जनता से अपील करेंगे कि वो पार्टी को वोट दे। और जिस तरह से लगातार 10 साल से पार्टी जो है वो जनता के लिए काम करती आई है, और दो सौ मुद्दे हैं वो जनता के बीच में रहेंगे। तो वही प्रियंका गांधी जो है वो आज सिरसा में रैली करेंगी और हरियाणा कांग्रेस की जो प्रत्याशी है कुमारी सैलजा उनके लिए वोट मांगेंगी। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो पहले वो हरियाणा आएंगे, अभी राजनीति अपना प्रचार करेंगे। उनके साथ जो उम्मीदवार हैं वो शामिल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के सीएम जो है वो उसमें शामिल रहने वाले हैं। राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से खड़े हुए हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे, उनके लिए भी प्रचार जो है वो किया जाएगा। उसके बाद पीएम जो है वो पंजाब पटियाला निकल जाएंगे, क्योंकि अब पंजाब के चुनाव में भी सिर्फ एक हफ्ते का समय रह गया है। 1 जून को पंजाब में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो पंजाब में पटियाला से जो उम्मीदवार खड़ी है उनके लिए वहां पर जनसभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पीएम जो है वो जनता के बीच में रहेंगे। पहले हरियाणा और फिर पंजाब में जाके वो जनताओं से अपील करेंगे, जनता जो है उनकी पार्टी को वोट दे, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से जो काम जो किए गए हैं उन सारी बातों को याद दिलाएंगे। तो वही प्रियंका गांधी जो है वो सिरसा से जो उनके उम्मीदवार है कुमारी सैलजा उनके लिए वोट मांगेंगी। बिल्कुल, देखना होगा शिखा, क्योंकि आज अंतिम दिन है। ऐसे में देखना होगा हरियाणा की सियासत में जो पारा है वो कितना चढ़ता हुआ नजर आता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।